हाँ जी सर, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर आयनिक इक्वी का वन वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम थोड़ी देर के बाद छोड़ेंगे। बट उससे पहले हम एक और टाइप ऑफ न्यूमेरिक पीएच स्केल के ऊपर, तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था और उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं वो थोड़ा सा बता दूं कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम मिला दें, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू 298 केल्विन पर बेटा कितनी होती है, 10⁻⁴। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि एसॉक्स के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी डिफिकल्ट होती है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिंस इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट यू नो यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम इनको सिंपल नंबर्स में लॉग में कन्वर्ट करते हैं और इसी को हम कैसे लिखते हैं, पी के डब्ल्यू किसके बराबर हो जाता है, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 14 आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास और भी फॉर्मूले आ जाते हैं, पीएच वो कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, आप कभी कभार पी ओ एच भी निकाल सकते हैं एज पर द नीड एंड डिमांड, वो बेटर क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, आपको कभी कभार पी के डब्ल्यू भी वो निकालने को बोल देंगे, जिसे हम कहते हैं डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वाटर का, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। और पीएच और पीओएच मिलाकर बेटा टोटल सम जो है वो कितना आता है, 14 आता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल जो है वो कैसे करते हैं, कैसे पीएच किसी सॉल्यूशन का निकालते हैं, पीओएच भी निकाल सकते हैं, कैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, कैसे ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, इनका लॉग लेते हैं तो हमारे पास पीएच और पीओएच आ जाता है। तो अगर आपको पीएच या पीओएच दे रखा हो तो आप एंटी लॉग की मदद से एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो हमने एच पॉजिटिव से पीएच निकाला या पीएच से पीएच पॉजिटिव कॉन्क निकाला, आप ओएच नेगेटिव की कॉन्क से पीओएच निकाल सकते हैं या पीओएच की वैल्यू से आप ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और बाद में आप एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो वो भी निकाल सकते हैं। तो अब हम एक नया स्टाइल ऑफ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसके भी तीन पार्ट हैं, मैं बताऊंगा कि इस न्यूमेरिकल के तीन पार्ट क्यों है, ठीक है, और उसके बाद हम उसमें से कुछ पार्ट करेंगे और फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का, जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्लीज कीप लॉग टेबल और एनसीईआरटी हैंडी विद यू, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 66, आप आ जाइए इसके ऊपर। और अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं तो वो कहता है कि आपको इन सोल्यूशन का पीएच निकालना है, तो इसके अंदर आपके पास ए पार्ट में 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया गया है 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, मतलब एक बेस है और एक एसिड है, तो जाहिर सी बात है जब आप किसी भी एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वो खुद ब खुद रिएक्ट करेंगे। ऐसे ही बी पार्ट में भी हमारे पास एक बेस है, एक एसिड है, सी पार्ट में भी एक एसिड है और एक बेस, तो जब भी आप इन एसिड बेसिस को मिक्स करेंगे तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। लेकिन द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज, आप जिन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है
कि वो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। हो सकता है एसिड ज्यादा हो जिसकी वजह से पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन एक्सेस एसिड की वजह से सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम आएगा। ये भी हो सकता है जब आप इन दो एसिड और बेस को मिक्स करें तो पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, लेकिन एक्सेस बेस की वजह से जो फालतू बेस बचेगा उसका नेचर बेटा सॉल्यूशन क्या बना देगा, वो बेसिक, जिसकी वजह से उसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो तीसरा ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे, ना तो एक्सेस एसिड बचा ना बेस बचा, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन का जो पीएच है वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल, मतलब सेट। तो तीन पार्ट जो आपको दे रखे हैं उसका कॉन्सेप्ट यही है कि इनमें से एक सॉल्यूशन जो है वो क्या आ जाएगा, एसिडिक, एक आएगा बेसिक और एक आएगा न्यूट्रल। अब कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है हमें नहीं पता, यही हमें पता लगाना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर एसिड बेस मिक्स होगा। अगर एसिड बेस मिक्स होगा तो तीन चीजें हो सकती है, या तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कंटेनर में ना तो फालतू एसिड बचेगा ना फालतू बेस बचेगा, ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और पीएच कितना आ जाएगा, 7। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक्सेस बेस बच जाए, तो बेटा ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा आ जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन में एक्सेस एसिड बच जाए, उसकी वजह से सॉल्यूशन का ओवरऑल पीएच जो है बेटा 7 से क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करना है। अगर आप में से किसी की चॉइस हो ए बी सी में से कोई पर्टिकुलर कराना है तो आप मुझे फटाफट बता दीजिए, नहीं तो मैं खुद ना खुद कोई कर लूंगा, ठीक है। और अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। सर ए करा दो। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं इसका ए पार्ट, मैं बोर्ड पर ए पार्ट लिख रहा हूं। कहते हैं 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ 25 ml ऑफ 0.1 मोलर क्या हुआ, HCl मिक्स किया गया। ये दो चीजें हैं जिनको आप मिक्स करके क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हम पता लगाएंगे कि क्या दोनों आपस में कर जाते हैं कि कुछ फालतू के बेस बनाए। और याद रखना जो चीज फालतू होगी, जो चीज एक्सेस होगी, उसी का नेचर सॉल्यूशन में शो किया जाएगा। अगर एक्सेस एसिड बचा तो जितना बचा उस हिसाब से क्या आएगा, उसका पीएच आ जाएगा। एक्सेस बेस बचा तो जो फालतू बेस बचेगा, जो कंज्यूम हो गया हो गया, जो फालतू बेस बचेगा उसका हमको पीएच निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिए हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl के बीच में रिएक्शन लिखता हूं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और साथ में क्या बचता है, पानी। तो रिएक्शन में हम इनके क्या काउंट करने वाले हैं, मोल। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस करूं
तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, रिएक्शन हो गई बैलेंस। वन मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को टू मोल्स HCl के चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है और मोलैरिटी दे रखी है, मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल दूंगा। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितनी है 10 ml, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास मोल्स कितने आ गए, 0.002 मोल। तो इतने मोल्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल हो रहे हैं, कंटेनर में है। ऐसे ही मुझे HCl के भी बेटा मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम कितनी आ गई 25/1000। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 0.0025 मोल्स आ गए। तो इसके 0.002 मोल है, इसके 0.0025 मोल है। तो जरा देखिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाल, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर वन मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीड HCl के कितने मोल, टू मोल, देयरफॉर 0.002 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीड HCl कितना 2/1 इंटू 0.002, मतलब 0.004 मोल। इसका मतलब है बेटा HCl कितना चाहिए, मोल। बट मेरे पास है कितना कंटेनर में, 0.0025 मोल। मेरे पास कंटेनर में कम है कि ज्यादा है, कम है, कम है, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, HCl। अगर लिमिटिंग रिएजेंट HCl है इसका मतलब होगा HCl इज फुली कंज्यूम्ड। अगर HCl फुली कंज्यूम्ड हो रहा है इसका मतलब है एक्सेस में कौन है बेटा, कौन सा रिएजेंट है। देयरफॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस। अब कितना एक्सेस में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे ये चेक करना है। तो जरा देखो बेटा मैं दोबारा कर रहा हूं, नाउ इसी रिएक्शन से अब मैं इसको रिवर्स पढ़ रहा हूं। ऐसे अगर टू मोल्स ऑफ HCl नीड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना, वन मोल, देयरफॉर कंटेनर में बेटा मेरे पास कितना है 0.0025 मोल ऑफ HCl नीड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना 1/2 इंटू 0.0025। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई 0.00125 मोल। उनको इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा चाहिए, है ना। तो ये अमाउंट क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीडेड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा एक्सेस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा बेटा, 0.002 मोल जो मेरे पास है यहाँ पे, माइनस जो बेटा अमाउंट मुझे चाहिए 0.00125 मोल। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 0.00075। लेकिन बेटा पीएच या पीओएच निकालने के लिए आपको चाहिए होती है कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे निकालते हैं बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल्स कितने हैं बेटा, 0.0075, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए बेटा। इन दोनों को मिक्स किया गया है तो इसीलिए बेटा वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 10 ml प्लस 25 ml डिवाइडेड बाय 1000। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की बेटा कितनी हो गई, 0.0075 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 35। अगर मैं 3 जीरोस इससे कैंसिल कर दूं तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.75 डिवाइडेड बाय 35। लेकिन मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए, मुझे तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। Therefore, concentration of OH negative ion, बेटा वो कितनी होगी, twice the concentration of calcium hydroxide। सर क्यों, calcium hydroxide में OH negative दो बार आ रहा है। तो बेटा ये कितना हो गया, 2 × 0.75 divided by 35 और ये कितना आ गया, 1.5 डिवाइडेड बाय 35। तो आपको 1.5 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये वाली वैल्यू जो है आती है 0.0428 28। इसका मतलब OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बेटा हम कितनी लिखेंगे, 4.28 × 10⁻²। आपके पास क्या आ गया, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आप क्या निकाल लीजिए, POH तो POH कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 4.28 × 10⁻²। तो POH इज इक्वलेंट टू लॉग 4.28 प्लस लॉग 10⁻²। अब आप यहां से POH निकाल लेंगे सॉल्व करके, लेकिन हमको क्या चाहिए होगा, pH, इस सॉल्यूशन का pH निकालना। आप जहां तक निकालेंगे तो एक मार्क कट जाएगा, वो कैसे निकालेंगे बेटा, 14 minus pH। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसने हमको ये बताया कि अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये सॉल्यूशन ओवरऑल क्या आएगा, बेसिक आएगा। सर क्यों, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने पर HCl पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि HCl क्या आ रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट होता है जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम होता है,
और जो दूसरा वाला होता है वो एक्सेस में होता है। तो वो एक्सेस में कौन है और वो कितना है? अगर बेटा HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में। अब एक्सेस में ये नहीं कि आप बेटा इसी से पीएच निकाल देंगे, इसमें से कुछ पोर्शन कंज्यूम हो जाएगा। हाँ, मैंने निकाल के बताया कि अगर 2 मोल ऑफ HCl को 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इतने लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से जो हमारे पास मोल है HCl का इतना, उसको इतना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना चाहिए। अगर इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतने में से कंज्यूम हो जाएगा तो बचेगा, ये आ गए उसके मोल। मोल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आपको उसके अंदर HCl भी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को आपने क्या किया है? मिक्स किया है। इसलिए बेटा 10 ml प्लस 25 ml, इतना आ जाएगा 35 ml डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि बेटा वॉल्यूम कितनी लीटर। इसको मैंने सॉल्व किया, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई, ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन एक ही बात करेंगे। लेकिन इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमको बेटा क्या चाहिए? OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, वो बेटा ट्वाइस होगी, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 2 OH नेगेटिव आते हैं, तो हमने उसको ट्वाइस कर दिया। OH नेगेटिव की वैल्यू निकाली, जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल एक डिजिट के बाद लगेगा और 10 की पावर आता है। अब आप OH नेगेटिव आया तो बेटा आप POH निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? जो POH की वैल्यू आएगी उसको बाद में 14 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, मुझे POH और PH दोनों की वैल्यूज चाहिए एंड आई एम वेटिंग। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, POH कितना आ रहा है जैसा आपने डिस्कस किया 1.36, तो 14 में से निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके तो pH की वैल्यू 12.64 आ रही है। pH इज वेरी मच मोर देन 7, ठीक है ना, तो इसलिए सोल्यूशन जो है वो नेचर में क्या हो गया? ऐसे ही एक मिनट होल्ड कीजिए। तो अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन के नेक्स्ट जो दो पार्ट बचे हैं, इसका मतलब है बी एंड सी, उसमें से एक पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, और एक पार्ट ऐसा होगा जिसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट बेस आएगा, जिसकी वजह से एक्सेस कौन होगा बेटा? एसिड। एसिड से आप क्या निकालेंगे? उसके एक्सेस मोल। एक्सेस मोल्स निकालने के बाद आप निकालेंगे उस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, उस एसिड से आप निकालेंगे एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे? पीएच, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन का एक और पार्ट करा रहा हूं, दैट इज बी पार्ट। तो जैसा अभी आपसे डिस्कस हुआ, अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, बाकी के दोनों पार्ट वो आपके लिए होमवर्क चले गए। बी पार्ट न्यूट्रल आएगा, क्योंकि जितना एसिड है वो सारा का सारा बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा कंटेनर में, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। और सी पार्ट के अंदर, उसी क्वेश्चन के अंदर एसिड एक्सेस आएगा, तो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड निकालिएगा, उससे आप एक्सेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, और फिर आप उसका पीएच निकालेंगे। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर, ठीक है, कि आपके एग्जाम के अंदर, किसी भी टाइप के एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और
कम से कम नहीं तो 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, इससे कम की तो इसकी वेटेज ही नहीं है। तो बात करते हैं हेडिंग के साथ, लिखिए रिलेशन बिटवीन dissociation constant of acid and dissociation constant of a base of a conjugate acid base pair. आप कुछ भी अभी कॉपी नहीं करेंगे, I will give you enough time to copy, but the most important part is to understand. Derivation कोई नहीं आएगी, is that it? एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपको कभी इसको touch करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं acid की और उसके conjugate base की। अब देखो acid का तो आप dissociation constant K निकाल लो के Ka, और जब एसिड एच पॉजिटिव दे देगा तो जो बचेगा वो होता है कॉन्जुगेट बेस। एसिड जब एच पॉजिटिव दे देगा तो जो बचता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, उसका आप क्या निकालोगे के बी। उन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है रिलेशन। तो एसिड उसी का कॉन्जुगेट बेस, या फिर आप ले लो बेस और उसी का क्या ले लो कॉन्जुगेट एसिड, इसीलिए कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम केमिस्ट्री में एक रैंडम एसिड को एच ए लिखते हैं। ये एसिड डिसोसिएट करके बेटा क्या दे देगा, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव, तो हमने इसको एक्वस फॉर्म में ले लिया। अब बेटा सिंस ये एसिड है तो मैं क्या निकालूंगा इसका Ka, कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सर आगे तो बेटा ये हो गया एसिड का डिसोसिएशन, ठीक है, इसमें हमने क्या निकाला के ए, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, वो हम लिख रहे हैं एच ए, इसको हमने मार्क क्या किया वन। बेटा इस एसिड का जो ये आ रहा है इसको हम कहते हैं सी बी, सी बी मतलब कॉन्जुगेट बेस। अब मैं इसी को ले रहा हूं ए माइनस, इसको बेटा मैंने पानी के साथ लिया तो बेटा ये क्या दे देगा एच ए, साथ में क्या दे देगा ओ एच नेगेटिव। बेटा जो वर्ड कॉन्जुगेट है वो हमेशा राइट साइड पे आता है, जब यही कॉन्जुगेट एसिड लेफ्ट साइड पे आया तो बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा बेस, और ये क्या बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यही वाला एसिड जब लेफ्ट में आ रहा था तो एसिड था और जब राइट में आ गया तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो जो एसिड और बेस होते हैं बेटा वो यूजुअली हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो उनका कॉन्जुगेट पेयर होता है वो हमेशा राइट साइड पे आता है। आप उसी को दोबारा यहाँ पे लिखोगे तो इसको बेस मत लिखना, ये क्या लिखा, ये यहाँ पे बेस लिखा जाएगा पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कॉन्जुगेट बेस, आप सिर्फ बेस मत लिखना। तो वही चीज जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएगी तो कॉन्जुगेट बेस से बेटा वो क्या बन जाएगा सिर्फ बेस। अब आप इस बेस के लिए क्या निकालेंगे के, बेटा के कैसे निकालेंगे एच ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू पानी, पानी को मैं यहां ले गया तो ये आ गया के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर द बेस, ठीक है, पानी के साथ ये आ गया एच ए, ये आ गया ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन,
अब बेटा ये क्या बन जाएगा, के बी, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर स्पेस। ये हो गया बेटा टू। अब आप वन और टू को मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड इंटू डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर बेस। लेकिन ये बेटा ये वही बेस है जो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस था, उसी को हमने लिया है। तो मतलब एसिड का के ए और कॉन्जुगेट बेस का के बी, या फिर बेस का के बी और कॉन्जुगेट एसिड का के ए, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। के ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव अपॉन एच ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू के बी क्या हो गया बेटा, एच ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये कैंसिल हो गया, बेटा ये कैंसिल हो गया। तो घूम फिर के बेटा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट उसी का कॉन्जुगेट बेस जो है बेटा वो कितना आ गया, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, राइट। लेकिन आपको तो पता ही है ये किसके बराबर होता है, के डब्ल्यू से। और आपको तो इसकी वैल्यू पता ही है वो कितनी होती है, 10^-14। अब आप इसी में क्या ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ के ए प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ के बी विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू विच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10^-14। बेटा नेगेटिव लॉग किसी भी चीज का क्या बन जाएगा, पी के ए, ये क्या बन जाएगा बेटा पी के बी, ये क्या बन जाएगा बेटा पी के डब्ल्यू, और ये कितना आ गया बेटा 14। तो आपके पास वही चीज आ गई, तो अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा, एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को हम बेटा क्या लिखते हैं, के डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 10^-14, है ना। लेकिन अगर आप किसी में इसका पी एच फॉर्मूला बना दो तो पी एच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, तो बेटा कितना हो जाता है, राइट। फिर हमने पढ़ा के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, तो किसके बराबर होता है बेटा, 10^-14। तो बेटा इसी का पी के ए प्लस पी के बी जो किसके बराबर होता है, पी के डब्ल्यू, तो बेटा किसके बराबर होता है 14। लेकिन इतना याद रखना बेटा कि ये जो दोनों है ये किसके है बेटा, एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पेयर, या फिर बेटा ये किसके होंगे, बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड पेयर। मतलब अगर आप एसिड ले रहे हो उसका के ए होगा और उसी के कॉन्जुगेट बेस का क्या हो जाएगा, के बी। अगर आप बेस ले रहे हो तो उसका के बी होगा और उसी के कॉन्जुगेट एसिड का, उसी के कॉन्जुगेट एसिड का आपको क्या लेना पड़ेगा, के ए। ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है, किसी का के ए और किसी और का के बी ऐसा नहीं होता। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, फॉर्मूले आपके सामने आगे, यही फॉर्मूले आगे यूज करके हम न्यूमेरिक। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद
विद इन 1-2 मिनट हम एक नया क्वेश्चन करेंगे. हम अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की. बेटा कहते हैं आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट HF का, एसिटिक एसिड का और HCN का, तीन एसिड दे रखे हैं. 298 केल्विन पे ये वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ उनका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट पे. अब देखिए बेटा, सबसे पहला पार्ट कर रहे हैं HF के लिए. बेटा HF डिसोसिएट करके H पॉजिटिव देगा और देगा H नेगेटिव. बेटा ये एसिड है तो ये हो गया बेटा उसका कॉन्जुगेट पे. आपको Ka दे रखा है बेटा. Ka डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसका होता है बेटा, एसिड का. एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 6.8 × 10⁻⁴. कहता है आपको इसका Kb निकालना है. तो बेटा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर इट्स कॉन्जुगेट बेस मतलब S नेगेटिव आपको निकालना है बेटा. कैसे निकालते हैं आपको पता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होते हैं उनके प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻⁴ है. तो इसीलिए आपको Kb निकालना होगा. तो बेटा वो कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ / Ka. 10⁻⁴ अपॉन बेटा कितना आ जाएगा, 6.8 × 10⁻⁴. सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा. ऐसे ही अगर आपको दूसरे एसिड के लिए, वो कौन है, एसिटिक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस के लिए निकालना है. कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बेटा उसका, HCOO-. तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसका, सॉरी 10⁻⁴ - 14 अपॉन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट उसी एसिड का. 10⁻⁴ अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.8 × 10⁻⁴ आप निकाल देंगे. ऐसे ही आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है HCN का. तो बेटा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस HCN का बेटा वो क्या आएगा, CN-. कैसे निकालेंगे, 10⁻⁴ फॉर्मूला वही है, अपॉन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड वो कौन है, HCN. 10⁻⁴ और HCN की वैल्यू 4.8 × 10⁻⁹ दे रखी है. आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा. आप इसको कॉपी कर सकते हैं. तो बेटा हम सबसे पहला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वो है हमारी एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, दैट इज 46, राइट. तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं 46 क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आपको पूछूंगा आपसे कि क्या क्या दे रखा है, आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा. क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि ये वैल्यूज क्या है तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन कहता है the ionization constant या फिर dissociation constant of acetic acid is 1.74 × 10⁻⁵. बेटा ये वैल्यू किसकी दे रखी है और क्या दे रखी है, 1.74 × 10⁻⁵. कहता है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट और फिर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट एसिटिक एसिड का इतना है. क्या होता है आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, के ए. वेरी गुड, इट इज के. एंड सिंस बेटा इट इज एसिड तो बेटा ये क्या है, के ए.
तो बेटा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेटा, Ka बेटा किसका है, एसिटिक एसिड का, तो बेटा CH3COOH मैंने लिख दिया, ये बेटा वैल्यू हो गई। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बेटा क्या निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो कौन होता है, अल्फा, वेरी गुड, वो कौन होता है बेटा अल्फा, आपको अल्फा निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड का इन इट्स 0.05 मोलर, बेटा एक वैल्यू दे रखी है 0.05 मोलर, बेटा ये क्या चीज होती है मोलर, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एसिटिक एसिड, डिग्री, वेरी गुड, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा, एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, और बेटा इक्वी में उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम किससे करते हैं रिप्रेजेंट, सी से, कहते हैं कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, सर ये एसीटेट आयन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, CH3COO-, वेरी गुड बेटा, तो आप जब एसिटिक एसिड से एच पॉजिटिव हटा देते हैं तो बेटा वो क्या बन जाता है CH3COO-, इसे कहते हैं एसिटेट आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा निकालनी है और इस सॉल्यूशन का निकालना है pH, बेटा इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है pH। अब बेटा ध्यान से देखना कैसे ये मटेरियल, ये एसिड जो है वो स्प्लिट करता है और हमारी वर्किंग आती है, बेटा एसिटिक एसिड को जब हम पानी में डालते हैं आप बेटा रिवर्सिबल एरो बनाएंगे क्योंकि ये प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए होता है, बेटा वो क्या देगा एसिटेट आयन, साथ में क्या देगा H पॉजिटिव, बेटा इनिशियली हमेशा ये कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या ली जाएगी C, अगर बेटा ये इनिशियल है बेटा ये कितना आ जाएगा जीरो, ये कितना आ जाएगा जीरो, सब क्वेश्चंस में ऐसे ही क्योंकि वो एसिड या बेस इनिशियली स्प्लिट करेगा तो जो भी वो एसिड है जो भी वो बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटा सी, जो 99.9% केसेस में हमेशा दे रखी होती है बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपको हमेशा दे रखी होगी सी, जिसका यूनिट क्या होगा बेटा मोलर, मोलारिटी। थोड़ी देर के बाद एक मिनट दो मिनट एक सेकेंड दस सेकेंड पांच सेकेंड बेटा इक्वी आ जाएगा, तो बेटा इक्वी पर ये कितना बच जाएगा सी माइनस सी अल्फा, बताया था ना बेटा जब हम डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ रहे थे तो कुछ परसेंटेज, अल्फा क्या होता है बेटा परसेंटेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कुछ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन की स्प्लिट कर जाती है बाकी रह जाएगा, बेटा इतना था इतना स्प्लिट कर गया बाकी सी माइनस सी अल्फा रह गया, तो बेटा कोई मुझे बता सकता है कि एसिटेट आयन कितने बनेंगे सर, सी ए सर सी अल्फा, सी अल्फा, वेरी गुड, और ये कितना बनेगा बेटा सी अल्फा, सर क्यों, क्योंकि बेटा एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके एक आयन दे रहा है, एक आयन दे रहा है, चांस की बात है बेटा सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही आयन आएगा, मैंने फिर भी आपको अपनी तरफ से एक ऐसे आयन करा दिए थे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन डबल होती थी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं अगर बाई चांस वहां पे लिखा होता बेटा 2H पॉजिटिव तो बेटा आप यहां पे क्या लिख देते 2C अल्फा, वेरी गुड, ट्वाइस ऑफ सी अल्फा, आप क्या लिखते ट्वाइस ऑफ सी अल्फा, लेकिन आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालते हैं,
सिंस एसिड है तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा ये क्या हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा बेटा के ए क्या हो गया सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी कॉमन आ गया वन माइनस अल्फा ये कैंसल हो गया ऑल्सो अल्फा इज बहुत बहुत छोटा देन वन इसीलिए वन माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वन देयरफॉर के ए बेटा क्या आ गया सी अल्फा स्क्वायर पहली बार तो बेटा ये वर्किंग मैंने करके दिखा दी आपको लेकिन इसके बाद आपको बार बार नहीं करनी इस चैप्टर में अब के बाद यही फॉर्मूला आप डायरेक्टली लिख सकते हैं चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस वर्किंग मैंने यहाँ पे दिखा दी आपको इज दैट क्लियर ठीक है ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा फाइनल अब आप इसको ऐसे लिखने के बाद सीधा यहाँ पे लिख सकते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई मार्क्स नहीं करेंगे कुछ नहीं करेगा वो अलग चीज है बेटा ट्वेल्थ के अंदर इलेवेंथ में हम ऐसा करते हैं लेकिन ट्वेल्थ के अंदर बेटा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है इसके बाद वाला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा बट वो बात की बात है पर हम इलेवेंथ में ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कोई मुझे बता सकता है कि एक दो और तीन इन तीन चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो निकालनी है अल्फा अल्फा तो बेटा मेरे पास अब क्या आ गया अल्फा क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट के ए अपॉन सी एक मैंने रूट ले लिया सी नीचे आ गया इसको मैंने यहाँ पे तो ये जो हमने ऊपर वन माइनस अल्फा को वन मांग दिया अल्फा को निगलेक्ट कर दिया सर ये हम हमेशा कर सकते हैं हमेशा कर सकते हैं बेटा क्लास इलेवेंथ के अंदर आप हमेशा कर सकते ओके सर बेटा कोई भी न्यूमेरिकल आए एंटेस तक में भी आए आप कर सकते हैं राइट तो क्योंकि अल्फा बेटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कितनी छोटी वैल्यू आती है तो आपको अपना भी समझ में आ जाएगा हाँ सर ये निगलेक्ट हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो बेटा अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी आ गया मैं बेटा इसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूं के कितना है 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और बेटा सी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल अंडर रूट ठीक है बेटा तो बेटा मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया मैं क्या कर रहा हूँ इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको यहाँ ले गया तो बेटा मेरे पास ये आ गया 0.315 और 24 से बेटा कितना आ जाएगा 4 5 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होल अंडर मुझे डेसिमल एक डिजिट के बाद चाहिए 3.48 इंटू 10 टू दी पावर क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 8 आएगी माइनस 6 आएगी सर बताना वेरी बैड इन मैथ सर वो 10 टू द पावर माइनस 3 नहीं होगा पहले पहले वाले स्टेप में माइनस 3 आ जाएगा हाँ जी बेटा ये आ गया माइनस 3 वेरी गुड बेटा थैंक यू अब आप मुझे बताओ बेटा जब मैंने इसको 3.48 किया तो अब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए माइनस 4 होनी चाहिए कि बेटा माइनस 2 होनी चाहिए सर माइनस 4 माइनस 4 तो बेटा ये माइनस 4 हो गया एग्जैक्टली क्लास अब आप अगर मैथ में स्ट्रॉन्ग है आप फटाफट रूट निकाल के ये तो बेटा 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा बट अगर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते तो बेटा यहाँ पर अब आप देखना मैंने क्या किया है नाउ अल्फा इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होल रेज टू द पावर हाफ समझ में आया बेटा मैंने क्या किया जी सर अब बेटा मैं क्या ले रहा हूँ टेकिंग लॉग ऑन
फोर फाइव। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, लॉग अल्फा, ये आ जाएगा लॉग 3.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होल रेस टू द पावर हाफ। लॉग एनीथिंग रेस टू द पावर वो बेटा नीचे आ जाता है। लॉग अल्फा इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग 3.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। लॉग अल्फा इज इक्वल टू हाफ, अब बेटा लॉग ए इंटू बी बेटा क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। इज दैट क्लियर? लॉग अल्फा आप बेटा यहाँ पे बार बार लॉग अल्फा लिखेंगे सर, क्यों? क्योंकि तो बच्चे लिखते लॉग अल्फा है, लॉग अल्फा के बाद सीधा यहाँ पे वो अल्फा लिख देते हैं, अरे भाई लॉग कहाँ चला गया, तो वो गलत हो जाता है। और मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए आदत डाल लो। अब बेटा ये कितना आ गया, हाँ क्या मुझे कोई बताएगा बेटा लॉग 34 अंडर 8 क्या वैल्यू आती है? लॉग 34 अंडर 8 5416। जो भी नंबर आया बेटा डेसिमल उन सबसे पहले लग जाएगा, चार नंबर आएंगे हमेशा और डेसिमल चारों से पहले लग जाएगा। प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 4 जो भी नंबर होता है वो एज इट इज आ जाता है। बेटा लॉग अल्फा कितना आ जाएगा, हाफ, इसको आप सॉल्व कर दोगे ये आ जाएगा माइनस 3.4584। अब देखो बेटा आपके पास इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ गई लॉग अल्फा की, तो कितना आ जाएगा माइनस 1.7292। तो जब बेटा आपने ध्यान से देखो बेटा, जब आपने दोनों तरफ लॉग लिया सॉल्व करते 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 बेटा इस साइड से लॉग हट गया लेकिन लेफ्ट साइड से लॉग रह गया, इसीलिए आपके पास ये आ गया। अब आप क्या लेंगे बेटा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे पहले से ही लॉग है, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो बेटा वो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा एंटी लॉग माइनस 1.7292। अब आपके पास ये बेटा क्या आ गया अल्फा इज इक्वल टू एंटी लॉग, अब बेटा वही प्रॉब्लम आ गई, ये नंबर किसमें है नेगेटिव में, नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं होता, तो बेटा मैंने क्या किया मैंने लिखा इसको माइनस 1 और बेटा ये क्या आ गया माइनस 7292। और इसको आप एंटी लॉग को नेगेटिव में नहीं देख सकते, वो पॉजिटिव का होता है, इसलिए बेटा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने अपनी जेब से प्लस 1 लिखा और अपनी जेब से क्या लिखा माइनस 1। अब ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, तो बेटा अल्फा कितना आ गया एंटी लॉग माइनस 2 प्लस 0.2708। अब आप क्या देखेंगे अल्फा, बेटा ये जो नंबर है ये तो बेटा 10 की पावर बन जाता है, ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 2। आप कहां देखेंगे बेटा एंटी लॉग 0.27, कहां देखेंगे अंडर 0, चार नंबर आएंगे उसके बाद कहां देखेंगे 8, वो जो नंबर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। कितना आया सर 1865 लॉग के टेबल में, हाँ जी 1865 बेटा इनटू, और डेसिमल कहाँ लगेगा बेटा, सिंस डेसिमल यहाँ पे चारों से पहले लगा है एक डिजिट के बाद। अब देखो बेटा जब इधर देखो, देखो बेटा लॉग में डेसिमल कहाँ लगा होता है एक डिजिट के बाद, जब वैल्यू आती है
तो बेटा आप कहाँ लगाते हो? चार से पहले एंटीलॉग में हम उल्टा करते हैं, एंटीलॉग में डेसिमल कहाँ लगा हुआ है? चार डिजिट से पहले, तो जो मेरा वैल्यू आएगी उसमें हम कहाँ लगा देंगे डेसिमल? एक डिजिट के बाद। तो जो मैंने लॉग में किया उसी का एग्जैक्टली रिवर्स मैंने क्या कर दिया एंटीलॉग में, और बेटा मेरे पास ये आ गया अल्फा अनादि। बेटा आप देख सकते हैं 1.8 है, 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो बेटा आंसर कितना आएगा 0.018। तो बेटा 1 के सामने 0.018 बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए हम नीचे अल्फा को क्या कर देते हैं बेटा, इग्नोर करते हैं। तो 1 में से 1 माइनस 0.018 करेंगे तो बेटा ऑलमोस्ट नेगलेजिबल है, बेटा अल्फा आ गया, ये आ गया बेटा अल्फा। क्या निकालना है? पीएच और एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। देख सकते हो एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा किसके बराबर है? सी अल्फा। देख सकते हो ना बेटा सी अल्फा ये भी है और सी अल्फा ये भी है, मतलब बात तो वही होगी बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट आयन की कितनी होगी? सी अल्फा। तो बेटा सी कितना है? 5 × 10⁻²। अल्फा कितना है? 1.865 × 10⁻²। बेटा ये सॉल्व कर दो, 5 × 5 = 25, 2 × 3 = 40, 43, 4 बेटा ये आ गया 9.34 × 10⁻²। ये आ गई बेटा एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कहता है पीएच निकालना है बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है बेटा ये एच पॉजिटिव के बराबर ही तो है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, क्योंकि दोनों ही सी अल्फा है। तो बेटा वो भी कितना हो गया? 9.325 × 10⁻⁴। अब आपको बेटा क्या निकालना है? पीएच। पीएच कैसे निकालते हैं? नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। नेगेटिव लॉग ये कितना है? 9.325 × 10⁻⁴। ये नेगेटिव, ये आ गया बेटा लॉग 9.325 × 10⁻⁴। स्प्लिट कर दो बेटा, लॉग 9.325 प्लस लॉग 10⁻⁴। आप सॉल्व करेंगे आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा? आपको अगर समझ में आ गया है आप बेटा इसको कॉपी कर सकते हैं, जिसको कोई डाउट है बेटा वो पूछ सकता है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये टॉपिक जिसमें हमने रिलेशन फाइंड किया एसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और उसी के कॉन्जुगेट बेस के बीच में टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया तो बेटा इसको लाइक करना, आप इन लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगे के टॉपिक भी इसी से ही रिलेटेड है। मतलब 50% ये वाला पास तो इस्तेमाल होगा ही होगा, अल्फा आपको निकालना ही होगा हर न्यूमेरिकल के फॉर्म के अंदर। बाकी के टॉपिक जो है वो इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन आता है। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन टॉपिक या चैप्टर के लिए आप मुझे जरूर लिखे, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मुझे उसमें लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहिए हमारे लेक्चर्स के, तो आपको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नए और अगले लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। बाय बाय।